नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करोगे। DRDO की तरफ से, रैक की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जी। ठीक है जी, कौन सी है जी? DRDO डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि नोटिफिकेशन जब आया था उस टाइम भी आपके साथ प्रॉपर वे में डिटेल इसकी शो की थी। अब भी आपको एडवर्टाइज की पूरी डिटेल शो करेंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, ठीक है जी, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होगी। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसमें देख सकते हो आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा और 21 दिन आपको लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा। इसमें DRDO की 579 पोस्टें और DST की 8 पोस्टें हैं। ADA की आपको साइंटिस्ट इंजीनियर की 43 पोस्टें देखने को मिल गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे DRDO में 54 पोस्टें हैं, ADA में 36 पोस्टें हैं, DST की कोई पोस्ट नहीं है जनरल की, बट DRDO में ST की पोस्ट है। इस तरह कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितनी किसकी पोस्टें हैं। और यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एटलीस्ट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपका पिछले साल का 2021 का गेट स्कोर जरूर वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि गेट आपने क्वालिफाई किया हो। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का कोर्स आपका गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे मैकेनिकल के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें भी गेट मांगा हुआ है, और आपकी फर्स्ट क्लास से डिग्री मांगी हुई है, और कंप्यूटर में करोगे तो कंप्यूटर में भी, ये कंप्यूटर की यहाँ ब्रांचेस अलग अलग बता दी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल में भी वैलिड क्रेडिट स्कोर मांगा हुआ है, और इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस हैं। ठीक है, और मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें DRDO में ही इसकी एक की ही पोस्ट है DRDO की, और इसमें भी आपको गेट स्कोर मांगा हुआ वैलिड का। ठीक है, फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में भी गेट स्कोर मांगा हुआ है, 10 पोस्टें हैं। इसमें फिजिक्स की अलग अलग डिग्री की डिटेलें बता दी हैं। केमिस्ट्री में DRDO की 9 पोस्टें हैं, इसमें भी फर्स्ट क्लास से डिग्री और वैलिड गेट स्कोर केमिस्ट्री का। और केमिकल इंजीनियरिंग में DRDO की 5 पोस्टें हैं और DST की 1 पोस्ट है, इसमें भी आपका गेट स्कोर मांगा हुआ है डिग्री के साथ। और एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में भी DRDO की 9 है, ADO की आपको टोटल में 22 और 7 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, इसमें भी वैलिड गेट स्कोर मांगा है। मैथमेटिक्स में 7 पोस्टें हैं DRDO में, इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री मांगी है इसमें। ठीक है जी, पहले बैचलर डिग्री थी सभी में, इसमें मास्टर डिग्री और वैलिड गेट स्कोर मांगा है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगी हुई इंजीनियरिंग में और वैलिड गेट स्कोर मांगा है। DRDO में ही 10 पोस्टें हैं टोटल में। और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में DRDO और ADA में पोस्टें हैं, इसमें बैचलर डिग्री मांगी है गेट स्कोर के साथ। मटेरियल साइंस में बैचलर डिग्री मांगी है और गेट स्कोर के साथ। और नेवल आर्किटेक्चर में भी DRDO में आपकी डिग्री प्लस में आपका वैलिड स्कोर गेट स्कोर मांगा है। एनवायरनमेंट में DST में पोस्टें हैं जी, एनवायरनमेंट में आपकी डिग्री मांगी हुई है और वैलिड गेट स्कोर मांगा हुआ है। एनवायरनमेंट में सिविल इंजीनियरिंग भी आती है जी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। और एटमॉस्फेयर साइंस में आपको DRDO में 1 पोस्ट है जी, इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है, मास्टर डिग्री मांगी है और इसमें भी गेट स्कोर मांगा है। माइक्रोबायोलॉजी में DRDO में 3 पोस्टें हैं, इसमें मास्टर डिग्री प्लस में गेट स्कोर मांगा है। और बात करें बायोकेमिस्ट्री में आपको DRDO में 2 पोस्टें हैं, इसमें मास्टर डिग्री और वैलिड गेट स्कोर मांगा हुआ है। ये आप क्वालिफिकेशन ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें सभी की सभी इंजीनियरिंग लाइन की पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग लाइन में आपका गेट स्कोर वैलिड होना जरूरी है 2022 का, और अगर गेट स्कोर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने क्लियर में दे रखा है आपकी, या तो पार्ट वन में बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस में गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपका IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 80% के साथ, या फिर आपकी एसेंशियली क्वालिफिकेशन विद गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल रहने वाली है जनरल के लिए। DRDO में 28 साल, DST में 35 साल, ADA में 30 साल, OBC नॉन क्रिमिनलियर के लिए 31 साल, वही 3 साल की रिलैक्सेशन। DST में 3 साल की रिलैक्सेशन, 38 साल,
एडीए में 3 साल की रिलैक्सेशन, 33 साल। एससी एसटी के लिए बात करें तो 5 साल की रिलैक्सेशन हर एक में, डीआरडीओ में 33 साल और डीएसटी में 35 साल प्लस 5 40 साल और एडीए में 30 साल प्लस 5 35 साल एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मांगी गई है। आपको प्रूफ भी देना होगा आपकी कैटेगरी का। अब बात करें कैसे अप्लाई करना है, मेन उफ पर बात करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन कैसे सिलेक्शन होना वो सारा कुछ आपको बता चुके हैं। इसमें फिर भी बता देते हैं आपकी जो बेसिस ऑफ द डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट 80% तो आपके मार्क्स लगेंगे रिटन एग्जामिनेशन के, 20% आपके जो इंटरव्यू रहेगा उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। अब बात करें जी, ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट दिखा दी है, ये आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया है। अब बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, क्योंकि अप्लाई करने का लिंक होगा वही मैटर करेगा ना भी कैसे अप्लाई करना है। ये पहले लिंक एक्टिव नहीं हुआ था जी, ये अब लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर अप्लाई करने का सिंपली मेथड है जी, आपने अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आपको दो पोर्टल देखने को मिल गया, एक तो लॉगिन का एक रजिस्टर का। लॉगिन तो वही कैंडिडेट करेंगे जिन्होंने डीआरडीओ में कभी पहले अप्लाई किया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना है वो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, जो पासवर्ड क्रिएट करना है वही लिखिएगा और वो कन्फर्म दोबारा कीजिए। जो भी कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में ग्रेड स्कोर भी आपका मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपके कब अपने 10वीं पास आउट किया है वो आपको पूरी की पूरी डिटेल देनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूरी की पूरा गेट स्कोर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, गेट स्कोर की डिटेल मांगी जाएगी, ठीक है जी। और इसमें के बाद यहाँ पर बात करें तो ये सर्टिफिकेट है जी डिक्लेरेशन का, ये डिक्लेरेशन भी आपने देना होगा। कैसे, बोनाफाइड कैंडिडेट सर्टिफिकेट है बोनाफाइड रिजर्वेशन के लिए, जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है जी। और इश्यू लेटर हेड है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा है, ओबीसी डिक्लेरेशन है, यहाँ से सारे प्रोफॉर्मे आपने डाउनलोड करने लेने अपनी कैटेगरी के वाइज। यहाँ पर डिक्लेरेशन है जी मैं ओबीसी में हूँ रहता हूँ, तो ओबीसी वालों को यही फिलअप करना है, कौन से शहर से हो, यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, यहाँ पर टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, क्योंकि ओबीसी में तो ही आओगे किसी कम्युनिटी से बिलोंग करोगे, कोई कास्ट होगी। और यहाँ पर आपकी डेट, प्लेस और यहाँ पर अपने सिग्नेचर, ये आपको अपलोड साथ में करना होगा बोनाफाइड बेनिफिट के लिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए सेम है, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए भी डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपके साथ में फॉर्मेट अपलोड करने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम, ठीक है। ये प्रोफॉर्मे आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, रजिस्टर्ड जरूर कीजिए। और ज़्यादा क्वेरी आते हो तो इन नंबर्स पर आप कंसर्न कर सकते हो, ये नंबर आपको दे दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप ऑफिस टाइम में विदाउट हॉलीडेज, अगर शनि सैटरडे संडे आता तो आप कॉल मत कीजिए, कोई पिक नहीं करेगा। हाँ, मंडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से तक, मंडे से फ्राइडे तक आप कॉल कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप विजिट करना चाहते हो तो examjobalert.com पर विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO RAC की RAC साइंटिस्ट बी ग्रेड की पोस्टें, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, 630 पोस्टें, कितनी जी 630, बट इसमें स्किल मांगी है जी रिलेटेड फील्ड में आपका गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। 88,000 से लेकर 90,000 आपका पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। 6 जुलाई से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, कब से जी 6 जुलाई, यानी कि आपके परसों से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और 29 जुलाई लास्ट डेट है। और 15-20 दिन पहले ये जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम भी आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। इसमें सिर्फ 100 रुपये फीस है और 40 साल मैक्सिमम एज है। ओबीसी जनरल इकोनॉमिक सेशन की ही 100 रुपये फीस है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है। टोटल में डीआरडीओ में 579 पोस्टें हैं, डीएसटी में 8 पोस्टें हैं और एडीए में 43 यानी कि 43 पोस्टें, टोटल में 630 पोस्टें हैं। इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है ये सारी की सारी आपको बता दी है, ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एज लिमिट बता दी है, आपका गेट स्कोर जो शॉर्ट लिस्टेड गेट स्कोर के नाम बेस पर और आपके एग्जाम के बेस पर
कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इसी तरह आपने अप्लाई करने का मेथड आपको बताई दिया। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं, जैसे गो टू एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो DRDO का ये फॉर्मेट ही आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन का फॉर्मेट आपको सेम पोर्टल मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन और ये ऑफिशियली वेबसाइट सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।